ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में बिकने वाला दूध, प्रोटीन पाउडर और मल्टी विटामिन कैप्सूल की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, क्योंकि सोलन में सप्लाई होने वाले दूध में कीड़े पाए गए हैं। ये वह दूध है जो शहरवासी गाड़ियों के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में खरीदते हैं। वही दूसरी और विभिन्न कंपनियों के प्रोटीन मल्टी विटामिन कैप्सूल जो बाजारों में बिक रहे थे, वे मिसब्रांडेड पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इनके सैंपल ले लिए हैं और कंडाघाट लेबोरेटरी में भेजे हैं, जिस पर जांच की जा रही है। सोलन में बिकने वाला दूध, प्रोटीन पाउडर और मल्टी विटामिन कैप्सूल की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, क्योंकि सोलन में सप्लाई होने वाले दूध में कीड़े पाए गए। ये वह दूध है जो शहरवासी गाड़ियों के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में खरीदते हैं। वह दूसरी और विभिन्न कंपनियों के प्रोटीन मल्टी विटामिन कैप्सूल जो बाजारों में बिक रहे थे, वे मिसब्रांडेड पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लीगल सैंपल ले लिए और कंडाघाट लेबोरेटरी में भेजे गए हैं, जिस पर जांच की जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि विभाग को काफी दिनों से दूध और प्रोटीन पाउडर को लेकर काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर उन्होंने मौके पर सैंपल भरे, जिसमें पाया गया कि दूध में कीड़े हैं और कई कंपनियों के प्रोटीन पाउडर और विटामिन के कैप्सूल मिसब्रांडेड हैं, जिनके लीगल सैंपल ले लिए गए हैं और सैंपल भरकर सीटीएल कंडाघाट भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो दूध है उसमें जो भी खुला दूध सवेरे गाड़ियों में सप्लाई होता है उसमें कीड़े आ रहे थे, तो उसको देखते हुए एक हमने सर्वे सैंपल लिया। सर्वे सैंपल में ये बात कंफर्म हो गई कि दूध में 19 डेड जो कीड़े थे वो पाए गए। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट आ गई, हमने इसके लीगल सैंपल जो गाड़ियां सवेरे दूध देती है वहां से लीगल सैंपल भरे हैं, और जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक और कंप्लेंट आई थी जिसमें प्रोटीन पाउडर में ये कंप्लेंट थी कि इसमें उनको लगता है कि प्रोटीन पाउडर के साथ साथ कुछ रेत या रेत के पार्टिकल उसमें हैं, तो उसके भी हमने 6 सैंपल भरे थे जिसमें प्रोटीन पाउडर के अलग अलग ब्रांड प्लस मल्टी विटामिन कैप्सूल और मल्टी मिनरल टेबलेट्स, उनके 6 सैंपल भरे थे। वो जो 6 के 6 मिसब्रांडेड पाए गए, और ऐसे जैसे रेत की जो कंप्लेंट थी उसमें रेत वो नहीं पाया गया, तो हमने मैन्युफैक्चरर को नोटिस इशू कर दिया है और लीगल सैंपल भी भरेंगे। जो उसका जवाब आएगा उसके बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। प्रोटीन पाउडर और मल्टी विटामिन कैप्सूल जो हमने सर्वे सैंपल में लिए थे वो मिसब्रांडेड पाए गए हैं, वो सब स्टैंडर्ड नहीं है, उसमें ऐसी अंदर कोई चीज नहीं थी। सिर्फ उसमें यह था कि जो कलर अंदर निकला वो बाहर उसमें उन्होंने लेबल में डिस्क्लोज नहीं किया था, और जो कंडीशन अगर लिखनी पड़ती है लेबलिंग कंडीशन होती है वो भी फुलफिल नहीं की थी, तो इस बारे में हमने मैन्युफैक्चरर को नोटिस दे दिया।